वेलकम बैक। इसकी तरफ से भी हाय ले लो सब एक हाय। यू ऑल हैव बीन टेलिंग मी कि प्लीज चेंज योर बैकग्राउंड सोनिया, बट नाउ आई हैव मेड माई सेल्फ इवन मोर कम्फर्टेबल। बैकग्राउंड मुझे नहीं पता कब चेंज होगा, बट दिस इज हेवन। आई एम टेलिंग, दिस इज एक्चुअली अ गिफ्ट, दिस चेयर। एंड मुझे लग रहा है आज मैं ऐसे बनाऊंगी वीडियो, बिल्कुल आ जाओ। सो फ्यू डेज अगो आई आस्क यू गाइस टू सेंड मी मीम्स, लाइक फनी मीम्स, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी। एंड उसी दिन अचानक क्या हुआ, आई गॉट कॉट अप विद सो मच वर्क कि मैंने देख ही नहीं पाई जो भी तुमने मुझे कॉन्टेंट भेजा ना फनी वाला। तो अभी इतना चिल मौसम है, बारिश हो रही है यहाँ पे, एंड थोड़ा माहौल भी बहुत ही परफेक्ट एंड कम्फर्टेबल बना हुआ है। तो आज साथ में देखेंगे और बहुत ही चिल करेंगे और हंसेंगे। सो आ जाओ, लेट्स गेट स्टार्टेड। वो मैगी बन रही है हर बार की तरह, इस बार भी आप इसमें चीज और कॉर्न डाल दोगे बस भर भर के, और तो कुछ आपको आता है नहीं, है ना? ओरियो, अरे ये क्या पाप कर रहे हो, माता रानी पाप लगाएगी, जहर बना रहे हो, हलक से नहीं उतरेगा, मेरी बात समझ लो। आइसक्रीम भी डाल दी, बेड़ा कर जुलाब हो जाएंगे। What's so funny in this? इतनी जल्दी आंसर मिल गया मुझे। She literally recorded herself fake crying. I'm still lost in my life and look at her. अच्छा सुनो, अब मैं तुम्हारा पति हूँ तो मुझे आप करके बुलाया करो। Shut up. This is healthy marriage वाले you know humor. Shut up. बल्ली स्टैंड अप, रेस्टलेस बॉय, टिफिन खा रहे हो क्लास में? नहीं मैम, मैं खा रहा। जाओ डस्टबिन में थूक के आओ। अरे मैम अब खा लिया है तो डस्टबिन में क्यों थूकूं, खा ही लेता हूँ। क्लास से बाहर निकाल दूंगी तुम्हें। एक बिस्किट बचा, आप खाओगी? शट अप। चलो ठीक है मैं खा लेता हूँ। गेट आउट। अच्छे कमबैक्स है, मुझे ये कमबैक्स लाइफ में चाहिए, मैं याद रखूंगी इन्हें। ऐसा लग रहा था मैं शिनचैन का कोई एपिसोड देख रही हूँ। मम्मी मेरे एब्स दिख रहे हैं क्या? दिख तो रहे हैं यार, आपको ऐसे दो लाइनें नहीं दिख रही क्या? यार इट्स नॉट एब्स, इट्स ग्लूट्स गवार। मम्मी मेरा ना अमेज़न से वो रेजिस्टेंस बैंड, डंबल्स, योगा मैट, ट्रेडमिल, 25 CK की स्पोर्ट्स ब्रा, और मुझे एक ही जगह पे पेडल मारने वाली जो साइकिल होती है ना उसका ऑर्डर आ गया था। प्लीज 90,000 दे दोगे? मम्मी आज ना मैं डिनर में सिर्फ सैलेड खाऊंगी। ये क्या खीरा और टमाटर काट के दे दिया, मतलब सैलेड और सलाद में कोई फर्क होता है कि नहीं? लेटूस कहां है इसमें? क्या भाई तू वर्कआउट नहीं करती क्या? दिख रहा है मैं तो तुम्हारे जैसा अनहेल्दी लाइफस्टाइल कभी ना जी। यार ये बिल्कुल ऑन पॉइंट है, दिस इज सो ट्रू, दिस इज मी लिटरली। एंड मुझे सबसे ज्यादा मस्त लगा कि उन्होंने इतने मस्त ऐसे शीक कपड़े पहने हुए हैं, एंड शी इज टॉकिंग अबाउट जिम वाली चीजें, मस्त, बहुत ही बढ़िया। हाँ बहन, तुम्हारे ऐप दिख रहे थे वो हैं, वही हैं, किसी को और कुछ मत कहने देना। जिंदगी में बहुत सारी गलतियां की, लेकिन सबसे बड़ी गलती की घर वालों के सामने चाय बनाने। यार सच, पहली बार चाय बनाई ये सोच के लोग वाह वाह ताज करेंगे, अजी कद्दू मेरा, इनने तो मेरी ही ताज के बाहर दुकान खोलने की प्लानिंग कर ली, छोटू चाय वाला। बेटा अंकल आए, अंकल के लिए चाय बना दो। साला पांचवी बार आ रहा है, इसकी चाय में मिर्च डालूं? तुम्हें लग रहा होगा कि ये इतना क्यों हंस रही है? पता है ये एक्चुअली में बहुत ज्यादा फनी है, दीज आर फनी बिकॉज दीज आर ट्रू, ये एक्चुअली में होता है। मन करता है सच में उसमें मिर्ची डाल के दे दो जब इतनी बार मेहमान आते हैं, बेटा चाय बनाओ चाय बनाओ। क्या मैं पूछ सकता हूँ ये सब क्या हो रहा है? नहीं। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? नहीं। क्या मुझे आप बताओगे आप कहाँ रहते हो? नहीं। क्या मैं आपका हेयर क्लिप ले लूँ? नहीं। क्या आपको भूख लगी है? हाँ। कितने कमाल की बात है ना कि हमारी जीभ में एक भी हड्डी नहीं होती, पर फिर भी वो हमारी सारी हड्डियां तोड़वाने का दम रखती है। इस पे मुझे हंसी ज्यादा नहीं आई, मैं थोड़ी सीरियस हो गई क्योंकि बात बहुत सही बोली है। निकी? निकी? My little angel, my little love, I love you. वो बिल्कुल लिटिल एंजल निकला या निकली, वो जो भी था वो बहुत मैं ना बहुत जल्दी डर जाती हूँ, मतलब अगर मुझे पता है ना रूम में कोई है एंड स्टिल मैं यहाँ से एंटर करूंगी मैं तब भी डर जाऊंगी, जबकि मुझे पता है अंदर कौन बैठा होना चाहिए। थैंक्स गाइस मुझे इतने मस्त मीम्स भेजने के लिए, मुझे तो बहुत ही मजा आ रहा है। हाँ भाई तेरे को मजा आ रहा है? हाँ आ रहा है मुझे सोनिया। इसकी टेल देखो कितनी क्यूट है, इसको ऐसे ऐसे हिलाएंगे ना ऐसे। माय लिटिल एंजल। आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल। मामा मामा मामा
Mama. What? I don't wanna go to school. Why? No, I don't wanna go to school. Why? Cause I'm gonna break the rules. Why? I can't even read books. Why? Cause I don't wanna 2 plus 2. Why? I just wanna eat food. Why? Teacher say I'm too rude. Why? Mama, cause I'm too cool. Why? I don't wanna go to school. Why? I don't wanna go to school. I don't wanna go to school. Why? I'm just tired of school. No, Landy, so you are going to school. नहीं तू बोल ले, तू गाल ले, तू जाएगा स्कूल, तू कुछ कर। हम सबके साथ हुआ ये। मेरा भाई लिटरली इतना ज्यादा पिटा है, तब भी उसे डेली रिक्शा में बिठा के जबरदस्ती रिक्शा वाले भैया को बोलते थे इसे प्लीज स्कूल के अंदर तक छोड़ना। जिन्हें मेरा दिल लुटिया, जिन्हें मैंने मार सुटिया, लक पतला बलारी अद नैन नैन कनी चुम के हुलारे अद लैन लैन गल कर दी शायद तो मिठिया जिन्हें मेरा दिल। ओहो, क्या सबने घर पे ओहो किया? आई नेवर मिस इस गाने का ओहो। मुझे लगता है कि अगर मैंने मिस कर दिया मुझे पाप चढ़ जाएगा। दैट्स द स्टोरी राइट देयर। सच करो, ताली लात, 150 रुपया देगा। नई नई शॉपिंग करने गई थी ना मम्मी के साथ, मम्मी ना बिल्कुल ऐसे मुंह फाड़ के कम करवा देती थी पैसे। मुझे बहुत लगता था कि नहीं आप ऐसे क्यों कर रहे हो, वो क्या कमाएगा बेचारा, बट बिल्कुल ही जीरो इज द अमाउंट व्हिच योर मॉम विल कोट। ऐसा है यार, ठीक ठाक, because I didn't watch this. Running again. I feel like it's too much. Whoa, 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 whoa. Why did I pick this kid? He's so annoying. Get out. Shut up. You're the one that took it. Now let's make a TikTok. यार ये बहुत ऐसे मजाक बना रखे हैं आजकल, ऐसे वाले डांस वाले स्टेप्स बहुत ज्यादा बन रहे हैं। ये अपने साथ लगता है कि अगर मुझे कोई किडनैप करेगा, लाइक आई डोंट नो टिकटॉक डांसेस, बट मे बी मैं चिल होंगे एंड हाँ मैं सब शायद रिकॉर्ड करूंगी। अच्छा मेरे साथ ये हो रहा है, आई डोंट नो, सो फनी, हम कितना चेंज हो गए इस एज में। व्हाट्स द बिगेस्ट लाई दैट योर पेरेंट्स एवर टोल्ड यू? गाइस, द रियल नेम्स आरंट मॉम एंड डैड, आई डोंट नो हु आई एम लिविंग विद। तुम्हें भी लगा था कि तुम्हारे मॉम डैड का रियल नेम मॉम डैड नहीं है? भाई मुझे झटका लगा है, बचपन की बात हो रही है, अभी की बात नहीं हो रही, इतनी भी भोंदू नहीं हूँ मैं। और अब तो मैं अपने मम्मी पापा को अपने उनके नाम से बुलाती हूँ, तो हम बहुत ही कूल BFFs बने हुए हैं यहाँ पे। ओके वेट एक सेकेंड, आई रिकॉर्डेड हिज न्यू अलार्म क्लॉक। इज दिस अ माइक? ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, स्पीकर भी लगा रखा है पीछे, सही है। डर गया, मुझे ये करना है बड्डी के साथ, बट मुझे लग रहा है वीडियो देखते ही ना मेरे साथ ही होने वाला है। ऐसा लग रहा है कि कॉलेज के दिन वापस आ गए। हाँ क्या तू कभी गया था कॉलेज? मतलब अंदर नहीं गया, बाहर से तो कॉलेज देखी है बापू जी, मैंने बहुत सारी देखी है। भाई तारक मेहता के जोक्स, ऐसे ना छोटी छोटी बातों पे भी हंसा करो, ऐसे नॉर्मल जो डेली रूटीन वाली लाइफ होती है ना वो भी मस्त हो जाती है, क्यों सीरियस होना है, हंसो। देखा भाई, केला केला खा रहा? नहीं भाई मैं अकेला था इसलिए केला खा रहा। ओ तो एक केला था इसलिए अकेला केला खा रहा? नहीं भाई एक केला अकेला नहीं था इसलिए मैं केला केला खा रहा, बल्कि मैं अकेला था इसलिए केला अकेला खा रहा। ओ तो मुझे लगा एक केला अकेला था इसलिए अकेला केला केला खा रहा। नहीं भाई केला अकेला होता तो मैं अकेला केला केला क्यों खाता, मैं अकेला था इसलिए केला अकेला केला। भाई मेरा दिमाग चलना ना बीच में बंद हो गया, मैंने ना सुना वीडियो उसके बाद उसने बोला क्या, मुझे लगा हाँ ठीक ही कह रहा होगा, वो दोनों बात कर रहे हैं आपस में। तुम इसे छोड़ो यार, मैं तुम्हें अपना टंग ट्विस्टर बताती हूँ, तुम वो करके दिखाओ तो मैं मानूंगी। ठीक है, सुना सोनिया ने सोना चुराया, क्या था ये सर सुना सुनाया, वाह वाह करके दिखाओ उन्हें इनाम मिलेगा। दिन में कौन से डॉगी भोंकते हैं, बिहेव गाइस। क्यों कर दो बेटा शरारत, आपको पता ना मम्मा को आपको मारना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है, आपको मार के मेरी तबीयत खराब हो जाती है बेटा, मम्मा लव्स यू सो मच, आप मेरे जिगर का टुकड़ा हो बेटा। Girl, what the fuck is he talking about? मुझे लग रहा है हर किसी के साथ ना कभी हुआ है, मुझे बताओ तुम्हारे साथ हुआ है ना ये? अरे झूठ मत बोलो, हम सबके साथ हुआ है, कोई शर्माने वाली बात नहीं, बता दो कोई नहीं। थैंक यू यार, ये सही था, ये बहुत बढ़िया था। मैं बहुत शाय पर्सन हूँ, तुम्हें देख के नहीं लगता होगा बट एक्चुअली मैं हूँ, एंड मैं नहीं बोल सकता किसी ने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया ना, मेरे को लगेगा ओके थैंक यू फॉर रूइनिंग माय लाइफ। ये तो सो ही गया भाई, क्या हो गया, उठ जा। तुमने मुझे वैसे और भी बहुत ज़्यादा भेजे बट
मेरे को बहुत ही ऐसे अब रिलैक्सिंग और चिल फील हो रहा है, तो मुझे और भेजो. एंड अगर तुम्हें अच्छा लगा तो हम ऐसी वीडियोस और बनाते रहेंगे. मुझे रिव्यू दो, मुझे बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में. एंड अगर और भी चीज़ें हैं तो वो भी मुझे ऐसे भेजते रहना. एंड देन वी विल चिल टुगेदर. ओके, एंड ऑल्सो अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड सब्सक्राइब. एंड आई विल सी इन माई नेक्स्ट वन. बाय से बाय बाय. ओ नहीं, यहाँ से करेंगे बाय.